हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार समाचार 23 सितंबर की विद्यार्थी जीवन संबंधी जो भी खबरें हैं उसको डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबर है। तो देखिए, सबसे पहली खबर है कि UP SSC बंद और होगा भर्ती का विज्ञापन जारी। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को भी अपनी वीडियो में बताया था कि UP SSC से जो अगला विज्ञापन आएगा वह बंद और होगा का होगा, और इसमें साइंस ग्रुप से जो लोग ग्रेजुएट हैं वही इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, और इसमें जो फिजिकल होगा वह वन रक्षक की तरह होगा। तो इसका विज्ञापन ऑफिशियल विज्ञापन आ चुका है और इसमें कुल 701 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। ये भर्ती भी पेट 2021 के आधार पर ही कराई जाएगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक विज्ञापन जारी हो गया है, लेकिन सबसे पहले आने वाला था विज्ञापन AGTA का, लेकिन उसके विज्ञापन को लेकर के अब वो विज्ञापन अगले हफ्ते जारी होगा। लेकिन उसके पहले ही आपको UP SSC के थ्रू बंद दरोगा का विज्ञापन देखने को मिल गया है। तो इसमें हाइट का भी कुछ मैनेजमेंट किया गया है कि हाइट की भी योग्यता मांगी गई है, कितनी हाइट होनी चाहिए। यानी कुल मिला करके ये जो है वन रक्षक की जो भर्ती है उसी के सापेक्ष भर्ती है, लेकिन ये दरोगा की है और वन रक्षक यानी कांस्टेबल की कह सकते हैं। तो आगे बात करते हैं UP Police SI टाइपिंग टेस्ट डेट घोषित। देखिए कि UP Police में जो ASI की भर्ती आई थी जिसमें करीब 500 के करीब पद थे, तो उसमें उसके टाइपिंग कभी नहीं हुई पाई थी, लेकिन टाइपिंग की डेट अब घोषित कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी उसमें शामिल हो टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग की डेट घोषित कर दी है और टाइपिंग अक्टूबर महीने में घोषित की गई है। आगे बात करते हैं कि राज्य कर विभाग में बाबुओं की भर्ती जल्द। देखिए कि राज्य कर विभाग में बाबुओं यानी लिपिक की भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। यह अभी विज्ञापन आपको UP SSC के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये संभव है कि यह भी वैकेंसी इसमें करीब 1800 के करीब पदों पर वैकेंसी है, इसका ही विज्ञापन आपको UP SSC के माध्यम से देखने को मिले। आगे बात करते हैं UP BEd काउंसलिंग डेट घोषित। देखिए कि UP में जो BEd का एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है, अब इसकी काउंसलिंग की डेट भी घोषित हो गई है। काउंसलिंग आपकी BEd वाली 30 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और 25 नवंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी, और उसी के बीच में एडमिशन भी हो जाएंगी। लेकिन उधर आप BDC वाला देख लीजिए, DLED के लिए अब PNP ने आदेश जारी कर दिया है कि जिन भी अभ्यर्थी को कहीं भी एडमिशन लेना हो तो वह जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए काउंसलिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इस समय आप जो BTC में जाकर के सीधे चाहे डायरेक्ट में चाहे प्राइवेट संस्थान में जहाँ भी सीट खाली हो आप जाकर के डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन BEd के लिए अभी काउंसलिंग की डेट घोषित कर दी गई है। 30 सितंबर से इसकी BEd की काउंसलिंग रोहेल विश्वविद्यालय द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी और ये 25 अक्टूबर तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से चलेगी, और 1 नवंबर से जो है नया सत्र शुरू किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि UPSC LT ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट। देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो राजकीय इंटर कॉलेजों में TGT PGT की वैकेंसी आने वाली है, इसमें करीब 12,000 के पदों पर यह भर्ती जारी होगी और यह भर्ती आपको अक्टूबर महीने के मध्य में देखने को मिलेगी। इसके लिए सब प्रक्रिया पूरी कर ली गई, चूँकि इसमें जो है समकक्षता को लेकर के विवाद था उसको भी सुलझा लिया गया है। अब जो है अक्टूबर महीने में दीपावली के पहले जो है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि ये देखिए, राज्य सरकार के एक मंत्री, इन्होंने कहा है कि 1,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि ये नहीं बताया कि उन्होंने किस विभाग में किस पद के लिए कितनी नियुक्तियां की है। और जो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ ने ASI लिपिक के 1329 पदों पर चल रही भर्ती 2020 में स्किल टेस्ट की जानकारी दी है। यानी जो टाइपिंग टेस्ट होना है ASI का, वह आपको 18 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया है। यह लखनऊ के विभिन्न जनपदों, लखनऊ के विभिन्न सेंटरों पर यह परीक्षा जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी ASI का टाइपिंग टेस्ट आपको 18 अक्टूबर को कराया जाएगा।
अब देखिए एक खबर ये भी है कि कारा की आर्मी अग्निवीर भर्ती के चयनित प्रतियोगियों की 13 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा। क्योंकि इनका मेडिकल फिजिकल हो चुका है, अब इनकी लिखित परीक्षा जो है वह 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जो अग्निवीर वाले थे। अब आगे बात करते हैं, देख लीजिए इसमें यहाँ दिया हुआ कि यूपी बीएड काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू हो रही है। बीएड काउंसलिंग जिसमें 354 कॉलेजों में आवंटन किया जाएगा। अब देखिए एक खबर है कि बिहार में 2500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती अमीन कलर कानूनगो और बंदोबस्त अधिकारी के पदों पर आई है वैकेंसी, जिसमें 2506 पद हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो ऑनलाइन है वह 27 सितंबर से शुरू हो रही है और इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल मेरिट के आधार पर यह भर्ती संपन्न करवाई जाएगी। अब देख करा कि गैर जरूरी 13,462 पद खत्म, 51,000 पदों पर नई भर्ती करेगी सरकार। करा जन स्वास्थ्य विभाग में 4,446 पद रिक्त, पद किए गए रिक्त समाप्त। अब देखिए कह रहा है कि आंकड़ों की नज़र में कुल सरकार के विभागों में कुल पद 4,58,808, कटौती की गई है 13,462 पदों पर। अब स्वीकृत पदों की संख्या 4,45,346, भरे गए पद 2,62,849, खाली पद 1,82,497, अनुबंधित अधिकारी अनुबंधित कर्मचारी 28,013। अब देखिए अगली खबर है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती आई है, जैसे एडिशनल जनरल मैनेजर है, अकाउंटेंट की है, सीनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर पावर सेक्रेटरीट है, जूनियर अकाउंटेंट और सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सिविल है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है, पर्सनल असिस्टेंट, इन सब पदों पर वैकेंसी जारी हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 30/9/2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बता दिया आपको कि बंद दरोगा के 701 पदों पर भर्ती आवेदन 6 नवंबर तक। यानी देखिए अधीनस्थ चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किया हुआ है, 6 नवंबर तक लास्ट डेट इसकी है फार्म भरने की। और ये भी भर्ती आपको पेट के स्कोर के आधार पर ही कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके लिए योग्यता जो है आपका किसी भी साइंस ग्रुप में स्नातक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 21 साल अधिकतम 40 साल उम्र मांगी गई है। अब देखिए कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में सामूहिक नकल में 9,607 छात्र डिबार किए गए हैं, अब कॉलेज डिबार करने की बारी है। और देखिए एक आल एग्ज़ाम रिव्यू एक वेबसाइट है, उन्होंने यह जानकारी दी है कि UP SSC JEE रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा और UP SSC नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आएगा वह जूनियर असिस्टेंट का आएगा। यानी आल एग्ज़ाम रिव्यू के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि UP SSC JEE का रिजल्ट जो है 10 दिन के अंदर आ जाएगा और UP SSC से जो अगला विज्ञापन आएगा वह जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखिए कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है यह जो है 23/10/2022 से 7/11/2022 के मध्य रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग के ज़िलों में कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। अब देखिए DSSB ने कुछ जो इसके पहले वैकेंसी हैं उसके एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है। अब देखिए 31/10/2022 को मैनेजर ट्रैफिक का एग्ज़ाम होगा, 3/1/2022 को PGT संस्कृत फीमेल, PGT उर्दू मेल, PGT उर्दू फीमेल और 4/11/2022 को मैनेजर IT का पेपर होगा और 21/11/2022 को PGT म्यूजिक मेल, PGT कॉमर्स कंप्यूटर साइंस मेल, PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल, इतने इनका एग्ज़ाम डेट उन्होंने घोषित कर दिया है। अब देखिए कि बंदरवा की भर्ती है, इसमें कुल 701 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल में जो है मैनेजमेंट ट्रेनी के गेट के थ्रू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए अब जो है एक भर्ती और आई हुई है मध्य प्रदेश पावर जनरेटेड लिमिटेड में
जो अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये हो गया आज का दैनिक रोजगार समाचार। थैंक यू, धन्यवाद।